साधु यादव मुर्दाबाद 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 साधु यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद साधु यादव मुर्दाबाद 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 साधु यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्टार न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दे कि लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी हो गई है और उसके बाद उनके मामा जो साधु यादव हैं उन पर उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, मीसा भारती और कई लोगों के नाम तक लिए। उसके बाद आज छात्र जनशक्ति परिषद यानी कि तेज प्रताप यादव के द्वारा गया जो बनाया गया है छात्र जनशक्ति परिषद, उन तमाम लोगों के द्वारा आज पुतला दहन किया गया है। आपको बता दें कि जो छात्र जनशक्ति परिषद तेज प्रताप यादव ने बनाया है वो आज साधु यादव का पुतला दहन कर रहे हैं। दरअसल मामला जिस तरीके से आपको बता दें कि साधु यादव का बयान कल आपने सुना होगा, साधु यादव ने कहा था कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से शादी किया है और लालू यादव को लेकर कई तरह की बातें जो है वो कही गई थी और आज यहां पर प्रदर्शन भी हो रहा है। छात्र जनशक्ति परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो है देखिए कि किस तरीके से हाथों में झंडा है, बैनर है और उसको लेकर ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका पुतला भी दहन किया गया है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और अभी हम जहां मौजूद हैं वो तेज प्रताप यादव का आवास है और तेज प्रताप यादव के आवास के पास ही पुतला दहन किया गया तमाम जो कार्यकर्ता हैं छात्र जनशक्ति परिषद के। हालांकि तेज प्रताप यादव नहीं है क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की शादी हुई है तो वो दिल्ली में ही अभी हैं, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता और जो छात्र जनशक्ति परिषद के जो नेता हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और पुतला दहन कर रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो साधु यादव हैं उनका पुतला दहन किया जा रहा है। हम उनसे बात करेंगे जिन लोगों ने पुतला दहन अपनी भाषाओं का जो अपने भाषाओं पे जो उनका नियंत्रण नहीं है, अपने व्यवहार पे जो नियंत्रण नहीं है, अपने पारिवारिक विवाद को जो क्यों सार्वजनिक करके सारी महिलाओं को गाली गलौज कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं। और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम महिला समाज की और भी महिलाएं इसका सख्त विरोध करने के लिए उनके सामने आएंगे। ये भी कहा है जो आते हैं तो जूता चप्पल स्वागत किया जाए। अब ये तो भक्ति बताएगा ना, इसीलिए तो मैंने संकेत चुनौती दी है उन्हें कि अगर उन्होंने अपने जबान पे और अपने हाथों पे कंट्रोल ना रखा तो ये फिर बात की बात। चलिए, एक महिला का अपमान मानती है, बिल्कुल मानते हैं, ये पूरी महिला का अपमान मानते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। वो जाति धर्म की बात कर रहे हैं, तो जाति धर्म की बात कर रहे हैं तब तो राजनीति में तब जाति धर्म की बात कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है कि जाति धर्म की बात है? आप एक तरफ विकास की बात करते हैं, एक तरफ आप अपने आप को बहुत मॉडर्न बताते हैं, एक तरफ अपने आप को बहुत सभ्य और बहुत ऊपर लेवल के बताते हैं और एक तरफ आप इतनी असभ्य बातें करते हैं और इस तरह की गिरी हुई बातें करते हैं जब आप जाति विशेष को बीच में लेके आते हैं। जब हमारे बड़े नेता चाहे हमारे जितने भी पहले के भी जो महानायक हुए सब लोगों ने आज तक कभी जाति विशेष को महत्ता नहीं दी इस देश में, तो आप जाति विशेष को महत्ता देने वाले कौन होते हैं? तो फिर हमारे जो राजनीति में और लोग भी जो अदर कास्ट में जो शादी किए तो फिर आप उनसे विरोध क्यों नहीं करते हैं? आप उन्हें क्यों नहीं अब असभ्य बातों से अलंकृत करते हैं जो आप इन्हीं के लिए आए हैं? जो आप माननीय तेजस्वी जी की शादी होने के बाद आपने उनकी पत्नी के लिए और उनके लिए जो गलत बातों का जो प्रयोग किया ये बहुत ही निंदनीय है, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। उनके विरोध में ही उनके विरोध में और साधु यादव को सांकेतिक चुनौती के रूप में हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है और आगे भी उनको ये बात मर्यादित उनके भाषा को उनको मर्यादित रखने के लिए अगर हम लोगों को कोई भी कदम उठाना पड़ेगा तो हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे। जी, आपका परिचय। मेरा नाम कुमारी अर्चना हुआ, मैं इस छात्र शक्ति जन परिषद की सदस्य हूँ। क्या कुछ बात है? भारत जैसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के प्रदेश बदलते बिहार की तस्वीर माननीय श्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने रिसेल जी से शादी करके धर्म निरपेक्षता का संदेश पूरे बिहार वासियों को दिया है और उन्होंने यह बताया है कि बिहार में जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता धर्म है, संबंध मानवता प्रेम सर्वोपरि है, इससे बिहारवासियों को सकारात्मक रूप में लेकर सीखने की ज़रूरत है। उनके परिवार के कुछ सदस्य इनविटेशन नहीं मिलने के वजह से नाराज हैं और नाराजगी में एग्रेसिव मोड में जो है कुछ से कुछ बयानबाजी किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो पुतला दहन हुआ है वो
कंस जैसे शक्ति की पुतला दहन हुआ है साधु यादव के अंदर, जो कंस जैसे मामा का गुण है उसका पुतला दहन हम लोग किए हैं। मामा कंस भी थे और कृष्ण भी थे, तो मैं साधु यादव जी से यह कहना चाहूँगा कि आप मामा कृष्ण बनकर सामने आएँ, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करें और तेजस्वी यादव जी और उनकी बहू, उनकी पत्नी, हम लोगों की रिसेल भाभी का स्वागत आप करके यह बताएं कि आपसे मिस्टेक हुआ है, नहीं तो पूरा बिहार प्रदेश आपको कभी माफ नहीं करेगा। तो कह रहे जूता चप्पल से उनका स्वागत करेंगे। मैंने बोला ना कि ये उनका जो है कंसीय गुण कह रहा है, मतलब उनका कहना है कि कृष्ण कैसे हम लोग तो कहते थे कि मैं सर्वधर्म को जो है कि सम्मान देता हूँ, कृष्ण जी कभी किसी जाति विशेष जो है कि उन्माद को फैलाने का काम नहीं किया। आप बता रहे हैं कि उनको निमंत्रण हो तो आप अगर अच्छा करिएगा तब तो साथ आइएगा। साथ आने के लिए आपको लालू जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी के बारे में अच्छा सोचना होगा। एक बात और, उनका कहना है कि पूरा यादव समाज, पूरा यादव समाज शिक्षित हो गया है और पूरा यादव समाज आज के डेट में माननीय श्री तेजस्वी यादव जी और माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी के समाज। लालू यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनशक्ति परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेज प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साधु यादव मुर्दाबाद।